चलिए पहले क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। आपको पेज मैंने लेफ्ट कराया था, मालूम है ना आपको। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, हाउ आर फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन कैरीड आउट। पहले कन्वर्जन ही के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो दूसरे तरह का कन इंटर कन्वर्जन कैरीड आउट। आप लोग मुझे इथेन करके देखाएं क्या क्या रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है। पहले क्या करेंगे, CH3 है, CN2 अल्ट्रा वायलेट लाइट लाएंगे, जल्दी बताओ सारे लोग। तो CH3 CH2 Cl, उसके बाद वुड्स रिएक्शंस करा दो। और बताओ, याद नहीं है वुड्स रिएक्शन? दो हैलो याद है एल्केन सर, डबल। हाँ, याद है सर। CH3 CH2 2 CH3, ब्यूटेन बन जाएगा। बस एग्जामिनर रिएजेंट को देखेगा क्या लिया आपने। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए आप। लिख लिया तो बताइए। सर। नो सर, 1 मिनट। ओके, क्या आपने लिख यस लिया सारे लोग? हेलो, सर। यस सर। अगर आप इसको करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इथाइन टू मीथेन, आप सोचे पहले, 1 मिनट तक सोचे कैसे क्या क्या करना है। इथाइन टू मीथेन, हाँ, क्या करेंगे पहले बताइए। नहीं मैम, वो पिछले वाले, इसके पहले अच्छा, वाली अच्छा इसके चीज। पहले वाले स्लाइड। ओके ओके, लीजिए। हाँ, कोई बता सकता है? कोई बता क्या क्या? हाँ हर्षित, तुम बताओ क्या क्या कर सकते हैं इथाइन टू मिथेन में। सर पहले हम इसको इथीन मतलब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड में कैसे? इथीन को, इथाइन को इथाइन डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर, हम कोई कहते हैं हैलाइड से, एसिड हैलाइड से रिएक्शन कर एसिड सकते हैं। हैलाइड सॉरी से? नो नो, सर, सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड से, डबल HX। बॉन्ड, वो तो डबल बॉन्ड में क्लोरीन सिर्फ आएगा ना। यस सर, HCl HBr कुछ भी, उससे अच्छा ही चलो, हम। अच्छा मैं तुम्हें इस समझो, ये इसको मैं ऐसे करवा देता हूँ। चलो तो तुम बताना, चलो इसमें तुमको आसान मैं बता देता हूँ।
अच्छा चलो देखो, तुमको मैंने बताया था ना कि अल्काइन का हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड और कीटोन देता है, याद आया? यस सर। यस सर। जाके पर देख लो, टोटोमेराइजेशन हुआ था, मैं करवा चुका हूँ। KMnO4 आपको मालूम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नई रिएक्शन है, ये तुम जान लो, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब NaOH तो तुम पढ़ चुके हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो आपको मैंने बताया था ना, कूना हटाओ एच लगाओ CH4। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, फिर NaOH के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, फिर उसको सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे, ये आप करेंगे। बताइए, आया सबको समझ में? यस सर। तीसरा कन्वर्जन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत आसान है, प्रोपीन टू 2,3-dibutane, 2,3-dimethylbutane। देखो अल्कीन को अल्की, प्रोपीन को प्रोपेन में नहीं कह रहा है, 2-thiamethyl, पहले सोचो फिर बताना। नहीं आया? आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. पहले, हाँ, पहले आप करवा दो, मार्कोनी को फुल लगाओगे तो CH3CHBr आ जाएगा, और बस इसका वोर्स रिएक्शंस करा दो, ड्राई इथर, तो मैंने कहा था ना जिसके ऊपर हो CH3CHBr, जिस पर हो दोनों को भेजो, 2,3-dimethylbutane आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर आ गया। तो प्रोपीन से हालो अल्केन बनाओ, हालो अल्केन से, तो यही सोचोगे तो तुम्हारे पास रिएक्शन याद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? यस सर। चलिए एक लास्ट करते हैं, फिर हम नए चैप्टर यानी जो पढ़ रहे थे उस पर आएंगे हम।
सर वो कौन सा रिएजेंट लिख रखा है? ड्राई ईथर। ईथर। ओके सर। हाँ वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन करा दीजिए। ओके सर। डन सर। ये तो आसान है, इथेन टू इथाइन, ये कर दोगे सारे लोग? जल्दी बताओ, इथेन टू इथाइन। यस सर। तो पहले इथेन का क्या कराओगे? एडिशन रिएक्शन बीआर टू के साथ सीसीएल फोर। सफर अल्कोहलिक के वच के साथ। हाँ तो, हाँ तो फिर क्या करोगे? बी आर, बी आर। हाँ वेरी गुड बी आर, ये तो कल भी पढ़ लिए थे, उसमें इथेन टू इथाइन दिया था। अच्छा ये तुम सीख जाओगे ना, इथेन टू इथाइन सीखना। तो ये अपने आप में तीन क्वेश्चन है। कैसे तीन क्वेश्चन है? इथेन से इथिन इसी में आ जाएगा। अरे बोलो, इथेन टू इथाइन तो आया ही, ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर इथिन से इथाइन, ये सीख लो। इसमें तीन क्वेश्चन का कन्वर्जन हो जाएगा, अल्केन टू अल्कीन, अल्केन टू अल्काइन, अल्कीन टू अल्काइन। बस यहाँ पर अल्कोहली क्यूएच लिख दो, चाहे एक लिखो या दो लिखो, बतवा बराबर है, डायरेक्ट ये अल्काइन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। कैसे बना ये सब सिखा चुकाया गया है आपको, बस यहाँ पर रिविजन कराया जा रहा है। चलिए अब हम लोग बताइए, मेन चैप्टर में कहाँ तक पढ़े थे सर? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन करा दिए थे आपको, थैंक यू। न्यूमैन तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसमें आपने पढ़ा था वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसमें ये भी हमने आपको सिखा दिया कितने एटम सेम प्लेन में क्या है, ये भी आप सीख गए। दूसरा आपने पढ़ा था सौ हॉर्स प्रोजेक्शन, तीसरा पढ़ा न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन में एक सेंटर और एक सर्किल से दिखाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसमें भी एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म होता है, तो वो आप और पूरा डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक लास्ट है फिशर प्रोजेक्शन, ये बेसिकली क्या है, इट इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल, 3D मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनल पर रिप्रेजेंट करना। इसमें जानते हैं क्रॉस लाइन, एक बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करते हैं, समझा? मतलब ये, हाँ लिखना शुरू करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन are used in this projection. In this projection. ठीक है, ग्रुप्स कुछ तो बोल ही नहीं रहो यार, ग्रुप्स हाँ एच एल का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, लाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होगा आप समझ जाइएगा एबव द प्लेन है, जो थ्री डायमेंशनल में एबव है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा जाता है। एंड एंड ग्रुप्स ऑन वर्टिकल लाइन लाई बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स आर यूज्ड इन दिस प्रोजेक्शन, ग्रुप्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन लाई अबव द प्लेन एंड ग्रुप्स ऑन वर्टिकल लाइन लाई बिलो द प्लेन।
कोई बोल ही नहीं रहा है यार, कुछ तो बोल दीजिए। यस सर। यस, बहुत अच्छे आदमी है। इसलिए देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो लिख लिया सारे लोग। यस सर। नो सर। नो सर, थैंक यू। Yes, sir, done. Okay. जैसे मिसाल के तौर पर लें, ये आपके पास है ए बी है, एक्स और वाई है, तो हॉरिजॉन्ट इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि ये आपके पास है वर्टिकल लाइन पे बिलो द प्लेन है, देखो लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन, इसको ऐसे भी दिखाते हैं। और ये डैश प्रोजेक्शन का मतलब ये, अगर कोई कहे डैश प्रोजेक्शन पर कन्वर्ट करो, वही मतलब हुआ ना, हॉरिजॉन्टल अबव एंड वर्टिकल बिलो। अरे बोलो यार कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। हो सकता है एक से ज्यादा का दो कार्बन हो, ये जो है ना ये कार्बन है, याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी इस तरह का भी हो ए बी, सी डी और एक्स वाई, इसको कन्वर्ट करना हो तो वही बात, कोई बात नहीं है, इस तरह कर दें, ये कार्बन बिलो द प्लेन बोलिए, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अब आइए। हाँ तो ये यही पूरे केमिस्ट्री में पांच ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, समझा? यस सर। चलिए अब आइए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। ये स्पेस स्टूडियो आइसोमर में सबसे पहले आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर सर। हाँ हाँ बोलिए। जो हमने जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो ये चीज नहीं है ना, वो चीज क्या है? वो तो बॉन्ड लाइन पे अलग है, वो तो कार्बन हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, ये तो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है थ्री डायमेंशनल, तो बताया था ना sp3। यस सर। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, ये अलग चीजें हैं, वो अलग चीज है। ओके ओके सर। उसमें कार्बन लेंथ को दिखाना होता है बस, इसमें कन्फर्मेशन आइसोमर। इसका दूसरा नाम लिखिए रूटेमर्स, सर रोटेमर्स। तो क्या? अच्छा ओके, नहीं सर कुछ। हाँ ठीक है, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बता दें। यस सर। हाँ तो आप गौर से सुनेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर, आपको मैंने केमिकल बॉन्ड में बताया था कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है, पहली बात याद रख लें, वहां फ्री रोटेशन होता है, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां, याद है ना, रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो वही है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर जो है आपको
वो आपको पाया जाएगा अल्केन में, सिंगल बॉन्ड रूटेमर्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा रूटेमर्स। ये दीजिएगा स्पेलिंग में रूटेमर्स, या आपका या आप दूसरा नाम भी बोल सकते हैं और करके कन्फर्मर। आइसोमर तो प्रोसेस का नाम हुआ, ठीक है सबको समझ में आ गया? तो जल्दी बताओ रोटेशन, रोटेशन कहाँ पॉसिबल होता है जल्दी बताए सारे लोग। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस वही है कि रोटेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनता है, बहुत सारे इनफाइनाइट बोला गया, इसीलिए मैं बाद में अभी लिखवाऊंगा जस्ट कि कंफर्मर मशनल आइसोमर, आइसोमर तो कहते हैं लेकिन ये ट्रू आइसोमर नहीं है, आइसोमर में इनफाइनाइट नहीं बनते हैं, लेकिन बोला जा सकता है आइसोमर बेसिकली इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द कंफर्मर कंफर्मेशनल आइसोमर, तो लिखना शुरू करें द स्पेशल अरेंजमेंट, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, which can be converted into one another by rotation. Sir? फिर आपने सेकंड वर्ड क्या लिखा है? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, स्पेशल, ओके स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन, रोटेशन की वजह से होता है, अराउंड अ सी सिंगल, सी सिंगल बॉन्ड सी। क्लियर है सबको? आर कॉल कन्फर्मेशंस। या कन्फर्मर या रूटेमर्स। बोलिए आया सबको समझ में? ये सिंगल बॉन्ड में ये पाया जाएगा जहां रोटेशन आसानी से हो। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? यस सर। हाँ तो याद रखें रोटेशन से जो पॉसिबल होता है उसको कन्फर्मेशन आइसोमर कहते हैं। तो क्या ये पाई बॉन्ड में होगा जल्दी बताओ? नो सर। इसलिए याद रखिए सी सिंगल बॉन्ड सी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बेसिकली जो होता है वह यही सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, एक जगह सिमेट्रिकल होता है इसलिए फ्रू रोटेशन टेक्स प्लेस। आपको मैंने बताया था ना सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है तो अलोंग द एक्सिस होते हैं पूरा, इसलिए रोटेशन पॉसिबल होता है। आगे बढ़े जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। याद रखिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इनफाइनाइट थ्री डी फॉर्म, इनफाइनाइट थ्री डी फॉर्म which are formed during this rotation or during this process. तो बहुत सारे structures बनते हैं जिसमें only two extreme form को analyze करेंगे but only
टू एक्सट्रीम फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रोटेशन. सुना सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं. यस सर. तो वो हम बताएंगे. उसका एक का नाम वही एक लिस्ट फॉर्म है और एक का स्टैगर्ड फॉर्म है. डिड यू अंडरस्टैंड? ये लिख लिया सारे लोग? अरे गौरव साहब हुआ आपको? यस सर. हाँ. ड्यूरिंग रोटेशन टू एक्सट्रीम फॉर्म आर ऑब्टेन्ड. आगे बढ़े, जल्दी बताइए. जी पहला फॉर्म लिखिए. सर एक मिनट. अच्छा ओके. डन सर. पहला लिखिएगा स्टैगर्ड फॉर्म. कल भी मैंने दिखाया था स्टैगर्ड फॉर्म में एटम या ग्रुप दूर दूर होते हैं. तो पहला पॉइंट डाल लीजिए. इन दिस फॉर्म एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू two carbons are as far apart, मतलब maximum distance पर होंगे, as far apart as possible. सुना सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताओ. यस सर. तो वही लिखेंगे ड्यू टू विच रिपल्सिव इंट्रैक्शन. बताओ दूर होंगे तो रिपल्सिव इंट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. Between electron cloud decreases, so stability क्या होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी. Very good. इसलिए पूछा जाएगा why staggered form is more stable. School level में पूछा जाता है. चलिए आगे बढ़े तो बताइए. जी सर. दूसरा फॉर्म है. अच्छा ओके. डन सर. अब आइए एक लिस्ट फॉर्म. देखिए इन दिस फॉर्म two atoms or groups attached to two carbons are very close to each other. Due to which repulsive interaction increases and stability decreases. Clear है? Yes sir. अच्छा ये दो extreme form है.
ठीक है सारे लोग जल्दी बताओ कितने एक्सट्रीम फॉर्म है? दो दो। हाँ, इस दो के अलावा मान लो दस दस पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, दो एक्सट्रीम फॉर्म के अलावा आठ स्ट्रक्चर बने, तो उन पूरे को एक लाइन में कहा जाता है एसक्यू फॉर्म। क्या कहा जाता है? एसक्यू फॉर्म। टू एक्सट्रीम फॉर्म के अलावा जो और सब बनेंगे तो सर उसको क्या कहेंगे? एसक्यू फॉर्म कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, ये लिख लिया। देख लीजिए, एनी अदर इंटरमीडिएट, एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मर, एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मर किसके बीच में बता? बिटवीन एक्सट्रीम फॉर्म्स। हाँ, बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड, यानी टू एक्सट्रीम फॉर्म, यानी बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टगर्ड फॉर्म, यानी या आप ये भी कह सकते हैं इस दो फॉर्म के अलावा जो फॉर्म होगा वो एसक्यू फॉर्म। एनी इंटरमीडिएट कन्फर्मर बिटवीन एक्लिप्स्ड स्टगर्ड फॉर्म आर कॉल्ड एसक्यू फॉर्म। तो ये तो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत दफा पूछा जा चुका है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तीनों में तो सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ? स्टगर्ड फॉर्म। स्टगर्ड फॉर्म। उसके बाद बताओ? एसक्यू फॉर्म। हाँ, एसक्यू फॉर्म बीच में आएगा। एक्लिप्स फॉर्म, ये वेरी क्लोज है इसलिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही देता है। तो यहां तक लिख लिया आपने तो बताइए। Yes, sir. अच्छा, एक टर्म्स और मैं लिखा देता हूं, ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, एक टर्म्स बहुत आएगा। लिखिए डाईहेड्रल एंगल, फिर मैं डायग्राम पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा। डाईहेड्रल एंगल तो लिखिएगा, इट इज द एंगल is the angle between two specified group in Newman projection. You know Newman projection? Yes, sir. Yeah. So dihedral angle ka concept yahi aayega. इट इज द एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप न्यूमैन प्रोजेक्शन। या समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं, मतलब ये हुआ कि अगर वन एट द फ्रंट कार्बन, वन एट द फ्रंट कार्बन एक ग्रुप है तो दूसरा किस पर होना चाहिए? बैक कार्बन, यानी दो प्लेन के बीच की एंगल इमेज एंड अदर एट बैक। सबको समझ में आया डायहेड्रल एंगल के बारे में? यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इथेन CH3 CH3, तो फ्री रोटेशन होगा इसमें, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है। आप ये मान लीजिए फ्रंट कार्बन मान लीजिए, बस बस इसमें तीन हाइड्रोजन है, H और H, ये आपके पास बैक कार्बन हो गया है, H H और H। बताइए ये स्टैगर्ड फॉर्म हुआ कि एक्लिप्स फॉर्म हुआ? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड। थीटा कितनी है? 0 डिग्री। यहाँ पर H और H
दो प्लेन, एक फ्रंट कार्बन एक। अब तुम घुमाओगे तो वन डिग्री हो सकता है, टू डिग्री हो सकता है, थ्री डिग्री हो, वही उसी को एसक्यू फॉर्म कहेंगे। हमें दो एक्सट्रीम फॉर्म लेना है, मैक्सिमम एंगल पर देना है, ये तो फिक्स रहेगा, रोटेट जो होगा तो ये दो 60 डिग्री ले लिया। बोलो यही तो हो सकता है एक्सट्रीम फॉर्म, बोलो हाँ या ना। यहाँ थीटा 60 डिग्री है, मैं वही कहना चाहूँ, जीरो से 60 डिग्री के बीच में जित, वही ना कहा इनफिनाइट नंबर। अब 60 ही थोड़ी ना ले सकते हैं, वन डिग्री भी फॉर्म है, टू डिग्री भी है, थ्री डिग्री भी है, 10.5 भी है, कोई भी डिग्री हो सकती है, सब कन्फर्मर कहलाएगा। लेकिन ये दो डिफरेंट फॉर्म जो होता है एक्सट्रीम फॉर्म, उसी को एक को कहते हैं स्टैगर्ड, एक को कहते हैं इक्विलिब्रियम। याद आया सबको, समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यस सर। यस सर आया। यस, अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? जी सर। तुम्हारे ऊपर है, 1 2 3, 2 3 के लॉन्ग रोटेशन कराओ या 1 2, बतवा बराबर है। यहाँ यहाँ सारे लोग ध्यान दें। अगर तुम इसको फ्रंट कार्बन लोगे तो ये बैक कार्बन हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी को भी ले सकते हो। इस फ्रंट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन पर 1 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। अब ये कोई क्वेश्चन ना करे सर इसी को क्यों लिया, आपके ऊपर भाई, किसी को ले लो, इसलिए तो कहा गया इनफिनाइट नंबर इज पॉसिबिलिटीज आर देयर। अरे ये साद रहमान को आ रहा है कुछ? यस सर। CH3H। अब जो एंगल दी जाएगी ना, मैंने क्यों लिखा है टू स्पेसिफिक ग्रुप, बल्कल ग्रुप, अब बल्कल CH3 है तो ये एंगल ली जाएगी, तो ना ये भी एंगल ली जाएगी, लेकिन जब टू स्पेसिफिक का मतलब होता है बल्कियर, तो न्यू में है, फ्रंट कार्बन में एच है, बल्कर एक तो एच तो हल्का ही है लेकिन सब एच है, और बैक कार्बन में बल्कल ग्रुप कौन है, मिथाइल, तो इसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो ये स्टैगर्ड हो गया, ये इक्लिप्स हो गया। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ये स्टैगर्ड हो गया, और जानते हैं अच्छा एग्जामिनर क्या करता है कंपटीशन में, कहता है इसका यूपीएससी नेम लिखो, तो स्टूडेंट कंफ्यूज आता है इसका नाम क्या लिखे, तो कुछ नहीं करना है, बताओ दो कार्बन तो ऑलरेडी है, एक और एक दो, बोलो। यस सर। और तीसरा कार्बन ये, तो डायरेक्टली कहो प्रोपेन है ये, समझ में बात आई? यस सर। चलो अब आओ, ब्यूटेन का बहुत ही मशहूर है, ब्यूटेन का कैसे करेंगे, हाँ लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, अब आइए, ब्यूटेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो ब्यूटेन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी, देखो 1 2 3 4, 2 3 के लॉन्ग भी हम ले सकते हैं, 1 2 के लॉन्ग भी ले सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। हम 2 3 इसलिए लिया कि एकदम सिमेट्रिकल है, खस से आधा कटेगा, बोलो हाँ या ना। तो एक को फ्रंट ले लो, एक को बैक ले लो, 1 2 के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल ले सकते हो,
लेकिन 2-3 में इसलिए लिया कि सिमेट्री है, ये पूरी तरह सिमेट्रिकल है। अब देखो इसमें बहुत सारे फॉर्म होंगे, सुनना अच्छे से। अगर आपके पास ये है, एक कार्बन है, तो देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। फ्रंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, तो बताइए बैक कार्बन ये CH है, उसके साथ 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब यहाँ पर बताओ थीटा कितनी एंगल होगा? 0। यहाँ पर कौन से ग्रुप, किसके ग्रुप के बीच में लेना पड़ेगा? दो बल्कियर यही है ना? यस सर। अब देखो ये अब H है, H है, CH3 है। अब बताओ कितने एंगल लोगे? CH3 के बीच में नहीं, वो तो है लगभग कितनी होगी? 60 डिग्री। इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, इसमें एक नया कंसेप्ट भी अभी सीखेंगे हम लोग। CH3H और H। अब CH3 फिर यहाँ आ गया और यहाँ H आ गया। बताइए अब थीटा कितनी है? 120। हाँ, अब बताओ थीटा 180 डिग्री हो जाएगा? यस सर। अच्छा तुम 360 तक ले जा रहे हो, लेकिन खुद सोचो अगर हम फर्दर अप करें तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो ये वाली सिचुएशन इस वाले के बराबर होगी, यानी 240 वाली सिचुएशन अगर हम इसको कह दें। यस सर। ABCD तो E वाली जो 240 वाली कंडीशन C के से मिलती जुलती रहेगी कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब 300 पर जब ले जाओगे तो ये B से मिलता जुलता रहेगा ना? मिथाइल ग्रुप यहाँ के बाद यहाँ आ जाएगा सीधे। Yes, sir. ना बोलो ना। यस सर। यस सर। और फिर 360 जब ले लोगे तो ए वाली सिचुएशन आ जाएगी। बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो मेन इसलिए हर बुक में 4 ड्रॉ किया रहता है, या अगर ड्रॉ किया भी रहता है सब, तो 240 सी के बराबर, 300 वाला बी के बराबर, और लास्ट वाला जो होगा वो ए के बराबर, इसलिए 4 हुआ। तो अब इसमें 2-3 बातें हैं, गौर से सुनो। पहली बात ये है कि ए को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये तो एक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन इसको कहा जाएगा अब नए नाम में फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या कहा जाएगा? फुल्ली एक्लिप्स्ड। हाँ, इसको कहा जाएगा पार्शियल स्टगर्ड। पार्शियल स्टगर्ड यहाँ कहा जाएगा पार्शियली, बोलो पार्शियल एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड क्यों? चूंकि यहाँ दो बल्कियल ग्रुप एक साथ है ना, इसलिए फुल्ली ज्यादा रिपल्शन है। अरे बोलो ना, इसलिए। यस सर। यानी ये दोनों एक्लिप्स्ड है लेकिन दोनों में, अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन छूट गया, ये दोनों एक्लिप्स्ड है लेकिन यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए मैं इसको ए बी के फॉर्म में आपको सिखा रहा हूँ सी डी। और ये डी जो है इसको कहते हैं फुल्ली स्टगर्ड। अच्छा, इस फुल्ली स्टगर्ड का दूसरा नाम भी है एंटी फॉर्म, एकदम 180 डिग्री पर। और ये स्टगर्ड का पार्शियली स्टगर्ड को कहते हैं गॉच फॉर्म। क्या कहते हैं? गॉच, गॉच फॉर्म। बोलो ना कौन सा फॉर्म? गॉच फॉर्म। गॉच फॉर्म। हाँ, अगर इसी में, अगर ब्यूटेन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछी जाए तो सबसे ज्यादा डी है, डी के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो एंटी फॉर्म मोर स्टेबल होगा कि नहीं? जी सर। तो चलो इसको बनाओ, फिर अच्छी अच्छी बातें अभी और बताएंगे सर। हाँ बोलिए, बताइए साइंटिस्ट। ये पार्शियल स्टगर्ड और फुली स्टगर्ड उसमें नहीं होता, क्या कहते हैं, प्रोपेन में? प्रोपेन में कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं। देखो प्रोपेन को तुम फिर और गिराओ तो यही स्ट्रक्चर बनेगा ना, कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, इसलिए वहां स्टगर्ड दो बल्कियल ग्रुप होनी चाहिए। ओके
दो बल्केल ग्रुप होनी चाहिए, दो स्पेसिफिक ग्रुप होनी चाहिए। अब खुद सोचिए इसमें और सारे नहीं बने, वन डिग्री सब पर बनेगा लेकिन और सारे फॉर्म क्यों नहीं बने, इसलिए कि इसको फिर आप करेंगे ना 120 पर लाएंगे तो फिर ये वाला फॉर्म आ जाएगा, है कि नहीं, फिर करेंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, यही दो दो बनता रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है सब में। ओके ये है, लिख लीजिएगा, लिख रहा हो ना तुम लोग, लेकिन इसको यस सर सर आराम से लिखो, चलो बोलिए आसिया नाम की स्टूडेंट, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर लिख लिया। लिख लिया सर? यस सर डन डन, ये लिख लीजिए। तो आपको क्या मालूम हुआ कि गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कि एंटी फॉर्म? एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म। बहुत अच्छे आदमी है तो एंटी फॉर्म होता है। क्यों होता है? मैक्सिमम एंगल होता है। मैक्सिमम एंगल सर। नहीं एंगल का मत कहिए, रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, ये बोलिए रिपल्शन कम है, बल्कि एंगल ज्यादा रिपल्शन कम। ओके रिपल्शन की बेसिस पर आप बताइए, रिपल्शन कम है। ओके यस सर। यस अच्छा अच्छा, आप गौर से सुनिए, अगर मैं कहूं CH2 इथाइलीन ग्लाइकॉल, यू नो यहाँ पर भी तो हो सकता है। अरे बोलिए ना, ये है ना सिंगल वन रोटेशन पॉसिबल है ना? यस सर। हम इसका दो फॉर्म बना रहे हैं, दो स्पेसिफिक ग्रुप, कार्बन पर एक OH एक हाइड्रोजन। सारे लोग ध्यान देना, हम सिर्फ गॉच और एंटी फॉर्म बना रहे हैं, चूंकि एक लिस्ट फॉर्म तो लेस स्टेबल होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। अरे बोलिए तो ये गॉच हुआ कि नहीं गॉच? अरे बोलिए ना गॉच फॉर्म। गॉच हाँ, गॉच फॉर्म का मतलब याद रखिएगा दो स्पेसिफिक ग्रुप के बीच के एंगल 60 डिग्री हो। सुना गॉच फॉर्म में क्या है, दो स्पेसिफिक ग्रुप की एंगल कितनी हो बताओ सारे लोग मिलके? 60 डिग्री। हाँ ये याद रख लो। अब देखो यहाँ पर OH तो H तो फिक्स रहेगा, और अगर हम इसका एंटी फॉर्म बनाए तो 180 डिग्री पर रोटेट होके यहीं पर आ जाएगा कि नहीं एंटी फॉर्म में? अब तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, कैसे हुआ क्या हुआ बोलो। अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ दो स्पेसिफिक ग्रुप 180 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल। बताओ ए और बी में मोर स्टेबल कौन है?
सर बी बी बिकॉज रिपल लेकिन यहाँ पर कहना ए इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो अब मैं तुम्हें ट्रिक्स दे रहा हूं और से सुनो जहां पर रिपल्सिव फोर्स होगा तो गॉज फॉर्म मोर स्टेबल लेकिन जहां अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा डोमिनेंट तो गॉज फॉर्म देखो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स क्यों आया हाइड्रोजन बॉन्ड पर हो ना बोलो ना यार अट्रैक्शन है रिपल्शन नहीं है तो जनरली गॉज इज मोर स्टेबल देन लेकिन आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कि रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा तो गॉज अफेक्ट रिपल्शन का मतलब जैसे दो सीएल सीएल दो फ्लोरीन फ्लोरीन लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल डिड यू अंडरस्टैंड यस सर यस सर हाँ कोई बोल ही नहीं रहा है भाई चलिए लिखिए लिखिए यहाँ तक लिखिए सबको समझ में आया किसी को कुछ पूछना है समझ आ गया हाँ बताइए हाँ बोलिए कोई पूछना है किसी को आवाज नहीं आ रही हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं गौरव जी फिर से बोलिए सर बार बार पूछना है कॉल आ गई थी तो आपकी आवाज अच्छा अच्छा हम कट हुआ अच्छा ठीक है हम ये कह रहे थे कि अभी आपने पढ़ा गॉच और एंटी फॉर्म में कौन स्टेबल होता है गॉच फॉर्म क्यों एंटी फॉर्म में रिपल्शन सॉरी गॉच और एंटी फॉर्म में एंटी फॉर्म स्टेबल होता है बिकॉज एंटी फॉर्म में एंगल ज्यादा होती है तो रिपल्शन कम होगा डिड यू अंडरस्टैंड लेकिन यहां पर देखा गया कि गॉच ही फॉर्म मोर स्टेबल है क्यों यहाँ OH के बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड और अट्रैक्शन जहां होता है अट्रैक्शन जहां होता है तो आपको मालूम है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है डिड यू अंडरस्टैंड इसलिए कहा गया यहाँ पर गॉच फॉर्म स्टेबल होगा तो उसका ट्रिक्स मैं लिखवा देता हूं अगर दो हाँ मैं लिखवा देता हूं अभी लिखिए पहले इसको लिख ले सारे लोग लिख लिया तो बताइए बोलिए ना यस सर डन अब देखिए गौरव जी क्या आपने लिख लिया यस सर ये आमना और आसिया नाम के स्टूडेंट ने लिखा यस सर अच्छा कंक्लूजन मैं सिखा रहा हूँ गौर से सुनो कब तुम स्टेबल ये तो मैंने दो क्वेश्चन करा के आपको कहा मान लो कि ये तुम्हारे पास एक से अरे ये इनका नाम क्या इनका नाम स्वस्ति भंडारी को आ रहा है अब ये बोलेंगे ही नहीं मत बोलिए मत अच्छा थैंक यू शुक्रिया कि आपने बोला इफ देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर कैसे समझेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको खुद पता चल जाएगा जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन सुना सारे लोग अरे कुछ तो बोल दे यार सबको समझ में आ रहा है ना आ रहा है सर हाँ तो देन याद रखना गॉच स्टेबल अट्रैक्शन जितना नजदीक अट्रैक्शन नजदीक स्टेबिलिटी ज्यादा देन गॉच इज मोर स्टेबल डिड यू अंडरस्टैंड गॉच इज मोर स्टेबल डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन यस सर यस सर तो ये आपको आना चाहिए ये लिखिए तो सारे लोग
बोलिए आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, क्या आप लोगों ने लिख लिया सर? हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर यहाँ सिर्फ मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की जगह अगर सर जैसे हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था उस टाइप का भी कोई बॉन्ड बन सकता है? नहीं, बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है मेरे भाई। बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड से थोड़ी ना देखना है। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, हमको देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। बैक बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ना होता है, वहां पाई बॉन्ड बनता है भाई। हेलो एवरीवन, यहां पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग सबको क्या हो जाएगा सर? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी तो है, स्टेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे रोटेशन का कांसेप्ट है, रिपल्सिव इंटरेक्शन का कांसेप्ट है। बैक बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं रहा ये नहीं देखना है। समझ गया सर। हां यस, अब बहुत स्कॉलर आदमी है मैं ना जाने क्यों। हां देख लिया सारे लोग? यस सर। अच्छा अब बताइए, इफ देयर इज रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, जल्दी बताओ। एक्स एंड वाई। या एक्स एंड वाई, तो कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा देन? एंटीफॉर्म। हाँ दूर वाला ज्यादा स्टेबल। इसके बेसिस पर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 1 2 डाइक्लोरोइथेन। लिख लिया? यस सर। इसमें कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा? एंटी सर, एंटी। हाँ एंटी फॉर्म होगा क्योंकि इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो H और H है, Cl और Cl है, ये गॉज फॉर्म है, ये एंटी फॉर्म है। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा इसका बता दोगे तो मैं समझूंगा। CH2COH। सिक्स इन पीछे स्लाइड पे जा सकते हैं? यस सर। ओके ठीक है। इसका तुम बना के दिखाओ कि pH less than 7, pH greater than 7। pH less than 7 पर गॉच और एंटी फॉर्म में मोर स्टेबल कौन है, और pH greater than 7 में कौन, ये थोड़ा तुम दिमाग लगाओ अपने से। So pH less than 7 में anti होगा और pH greater than 7 में gauche होगा। और स्टूडेंट बताएं?
से लेस देन 7 में गॉश होगा और मोर देन 7 में एंटी होगा. देखिए और से सुनिए, पीएच 7 का मतलब है कि ये एसिडिक फॉर्म है. तो जब एसिडिक है तो कार्बो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो आपको कहना है कि गॉच, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. याद आया सबको, गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म. पीएच 7 का मतलब बेसिक है, तो बेसिक एसिड को ये कर देगा. अब हो जाएगा जानते हो सीओ माइनस, एच को लेके उड़ जाएगा. यार सबको समझ में आया, अब तो रिपल्शन हो जाएगा ना. हेलो एवरीवन. यस सर. इसीलिए अब यहाँ पर एंटी बेस फॉर्म बेसिक फॉर्म हो गया, तो अब एंटी फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन आ जाता है. बताओ सबको समझ में, गॉश फॉर्म यहाँ पर क्यों हुआ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चूंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा. बेसिक है तो बेस क्या करेगा, एच को लेके उड़ जाएगा. तो अब नेगेटिव चार्ज, अब तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं. इस दैट द रीजन क्या होगा, रिपल्शन हो रहा. रिपल्शन होगा तो एंटी फॉर्म स्टेबल होगा. बताइए पीएच लेस देन 7 में क्या रीजन क्या था? यस हां, एसिड है ना, पीएच लेस देन का एसिडिक मीडियम. अरे एसिडिक मीडियम में दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना. ठीक है ठीक. हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ना. अरे बोलो ना यार. यस हाँ, तो इसको साफ करके नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ. पीएच लेस देन 7 मींस एसिडिक मीडियम. क्या एसिड एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा? नो सर. नो सर. हाँ तो ये ग्रुप अनफेक्टेड रहेगा. तो आप इसको फैला के लिख लीजिए. हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना जी. yes, इन्होंने हाँ गॉच फॉर्म में, इसलिए गॉच फॉर्म स्टेबल है यहाँ. और जब बेसिक मीडियम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये CO माइनस हो जाएगा, यहाँ रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए वहाँ एंटी फॉर्म स्टेबल हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. ठीक है, तो ये लगभग पूरा खत्म. कल आज इतना ही रहने दीजिए. आज कल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शुरू करेंगे. ओके उसके बाद हेलो हाँ उसके बाद ये होगा कि हफ्ते में 2-3 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि वही आपको लास्ट क्लास 1-2 दिन में. उसके बाद यही आइसोमर कन्फर्मर में एक्स्ट्रा, ये इतना मैंने पढ़ा दिया कि जो आप स्कूल के क्वेश्चन को कर लें, कॉम्पिटिशन के भी क्वेश्चन को कर लें. लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जी एडवांस में आता है, जी मेन्स और नीट में नहीं है. जी मेन्स नीट के लिए इतना ही है. सुना सारे लोग, और स्कूल के लिए. मेरी बात सबको समझ रहे हैं? हाँ यस सर. हाँ जी एडवांस के लिए है कि भाई चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर पढ़ेंगे, तो वो आपको एडवांस फॉर्म में आता है. नीट लेवल में आज तक ना आया, ना जी मेंस में आज तक आया. स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन लेवल में पढ़ा दिया.